वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एक तरफ पाकिस्तान भारत से दोस्ती का ढोंग करता है तो दूसरी तरफ आए दिन वो सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान की हालत अभी भी मुंह में राम और बगल में छुरी वाली है। पाकिस्तान हर बार भारत को जंग के लिए उकसाता है, लेकिन इस बार हालत ये है कि एयर स्ट्राइक के एक महीने बाद भी पाकिस्तान को भारत से हमले का डर सता रहा है। ये डर जाहिर किया है खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने। हाल ही में पाकिस्तान के एक मशहूर अखबार डॉन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने माना कि खतरा अभी टला नहीं है। भारत की तरफ से एक और हमले का डर पाकिस्तान के पीएम को इतना सता रहा है कि उन्होंने इस्लामाबाद में तालिबान के साथ होने वाली अपनी बैठक को भी रद्द कर दिया है। और क्या कुछ कहा इमरान खान ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों की वायुसेना में डॉग फाइट भी हुई। भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। इमरान खान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान पर युद्ध की छाया अभी भी मंडरा रही है, क्योंकि आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार एक और दुस्साहस कर सकती है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इमरान खान के हवाले से बताया कि खतरा अभी टला नहीं है, भारत में आगामी चुनावों तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रहेगी। हम भारत की ओर से होने वाले किसी भी तरह के आक्रमण को रोकने के लिए पहले से ही तैयार हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि अफगानिस्तान सरकार की चिंताओं के कारण तालिबान के साथ इस्लामाबाद में होने वाली अपनी प्रस्तावित बैठक उन्होंने रद्द कर दी है। भारत से लोहा लेने का दम पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए वो रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने प्राचीन शारदा पीठ के लिए एक कॉरिडोर बनवाने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया। सम्राट अशोक के साम्राज्य में बना शारदा पीठ करीब 5000 साल पुराना एक मंदिर है। शारदा पीठ भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ मंदिर विश्वविद्यालयों में से एक हुआ करता था। कश्मीरी पंडितों के संगठन लंबे समय से शारदा पीठ गलियारे को खोलने की मांग करते रहे हैं।